पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,226 नए प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने घरों की ओर गंतव्य की ओर जाने वाले 6,980 लोग हैं। संपूर्ण प्रदेश में अब एक्टिव केस 3,354 वर्तमान में हैं। संक्रमण दर हमारी 4.57 है, जबकि रिकवरी दर हमारी 94.06 है। कल संपूर्ण प्रदेश के अंदर जो सैंपल लिए गए वो 70,618 हैं। जैसा मैंने पूर्व में भी कहा था, लगातार हम 70,000 के आसपास सैंपल लेते रहे हैं, पहली वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव, और सरकार पूरी तरह से इस पर चौकन्नी है। मुख्यमंत्री जी स्वयं आज भी समीक्षा करते हैं। अब हमारे पुलिसकर्मी 900 एक्टिव केस बचे हैं। पिछले 24 घंटे में कुल 14 पुलिसकर्मियों के नए मामले प्रदेश के अंदर आए हैं। जो वैक्सीनेशन कल हमारा हुआ है वो 1,18,590 लोगों को कल वैक्सीनेशन हुआ है। कुल वैक्सीनेशन अभी तक 11,13,69,751 लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है। कोई भी विवाद नहीं है और ऐसा कोई भी प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार के पास विचाराधीन नहीं है, इसलिए कोई भ्रम की स्थिति न रहे। और जहां पर वो विवाद है वहां भी मामला न्यायालय में लंबित है, हाईकोर्ट में लंबित है। पिग्गर ठाकुर का सर कल मामला सामने आया है, इस पे क्या कहेंगे? उसमें केस रजिस्टर्ड हो गया है और कार्रवाई प्रचलन में है। पदोन्नति में आरक्षण को लेकर सर बैठकों का दौर जारी है, लेकिन नतीजा नहीं निकल पा रहा है। कांग्रेस आरोप लगा रही सरकार है, हमने जब सम्मानित कर्मचारी संगठन हमारे पास आए थे, हमने तत्क्षण उन्हीं से कह दिया था कि आप दोनों जिस विषय पर सहमति हो गए, सर्वानुमति का जो प्रस्ताव आएगा सरकार मानने को तैयार है। हम आज भी आपके माध्यम से कह रहे हैं, और वहां भी चर्चा में 90% विषयों पर सहमति आ गई थी, क्योंकि उन्हीं के कर्मचारी संगठनों की ओर से ही एक पक्ष का प्रस्ताव ये आया कि 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ रहा है तो उसका प्रतीक्षा कर लेना चाहिए, उसके प्रकाश में फिर निर्णय करना चाहिए, जिस पर सम्मानित सभी मंत्रीगणों की भी एक राय थी, तो उसको फिर आगे बढ़ाया है। और इसी बीच में हमने ACS GAD को भी कहा है कि वो सम्मानित कर्मचारी संगठनों के प्रमुखों के साथ में बैठकर जब 90% पर आंशिक सहमति है तो इसको 60% पर लेके आगे मार्ग निकलता हो तो निकाल लें। चाइनीज माजा ऑनलाइन साइट से हटा लिया गया है, जो जन्म घटना हुई थी उसके बाद, और उन्होंने ने भी माफी मांग ली है, और उन्होंने उस समय माफी भी मांगी है। अब हमने चेतावनी हुंडई को भी दी थी खेद व्यक्त करने के लिए, और हमने चाइनीज माजा के लिए अमेजन को भी कहा था। दोनों ने, चाइनीज ने माजा उससे हटा दिया है, चाइनीज माजे को अमेजन ने, और हुंडई ने उस पर खेद व्यक्त कर दिया है, तो हम मानते हैं इस विषय का पटाक्षेप हो गया है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं हुंडई से ये कहना चाहूंगा कि इस तरह की पुनरावृत्ति न हो। सर सीजी में एक सीजी की सर 11 तारीख से समर्पण अभियान शुरू कर रही है बीजेपी, इसमें आप इंदौर भी गए थे और वहां पर भी एक अच्छा खासा टारगेट तय किया गया है, तो कैसी रूपरेखा रहेगी? भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और ये कार्यकर्ताओं के समर्पण पर ही चलती है। एकमात्र हिंदुस्तान का ऐसा दल है जो कार्यकर्ता के समर्पण पर, निष्ठा पर, विश्वास पर चलता है। श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी के जो वर्ष है उसे हम समर्पण वर्ष के रूप में मना रहे हैं, और प्रदेश में हमने इसका लक्ष्य भी रखा है और इंदौर में भी उसका लक्ष्य निर्धारित किया है। सर कोरोना 11 तारीख से पूरे प्रदेश में एक दिन का ही अभियान चलेगा। सर कितना टारगेट रहेगा इंदौर में और प्रदेश? इंदौर में 10 करोड़ महानगर को है, 5 करोड़ ग्रामीण को। सर प्रदेश में 150 करोड़ पर कोई टारगेट? जी निश्चित रूप से ऐसा बताया गया है। सर रविदास जयंती भी बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में मनाई जा रही है। हमारे जो संत थे रविदास जी, उनकी जयंती को बड़े पैमाने पर सरकार मध्य प्रदेश में मना रही है।
मुख्यमंत्री जी ने उससे संबंधित कार्यक्रम भी घोषित किए हैं, पार्टी ने भी उससे संबंधित कार्यक्रम घोषित किए हैं। और संत वो इतने बड़े थे, महात्मा काफी बड़े थे, और अपने यहां कहावत भी है, मां महात्मा और परमात्मा, इनकी पूजा सदैव होनी चाहिए।